क्या आवेदन दिया गया, क्या मांग? ये भाजपा के जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा कुछ कहा गया है, अब कोरोना महामारी को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर एक कुछ कहा गया है सोशल मीडिया पर, उसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है और एक ज्ञापन के माध्यम से उन पर FIR करने की मांग की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से वीडियो कॉन्फ्रेंस में अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि आप जाइए और मध्य प्रदेश में आग लगाइए, फिर उन्होंने जो चीनी वायरस है उसको उन्होंने इंडियन वेरिएंट घोषित किया, इस तरह से आपदा के अवसर पर जब पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा प्रदेश एक महामारी से जूझ रहा है, उस समय इस तरीके का विचार रखना वास्तव में निंदनीय है। मुझे लगता है कमलनाथ जी इसी उग्र प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जब आपातकाल लगा गया था तो वो उस टोली में थे, 1984 के दंगों में भी जिस तरीके से सिखों के परिवारों को उजाड़ा गया, उनके व्यापार उसमें भी कमलनाथ जी शामिल थे। इस तरह कृत्य करना एक पूर्व मुख्यमंत्री के पद को शोभा नहीं देता, ये मर्यादित नहीं है। हमने आज पूरे मध्य प्रदेश में सभी जिलों में एक आवेदन दिया है, उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चले, अन्य धाराओं के हिसाब से जो IT एक्ट भी होता है उसके तहत भी उन पर मुकदमा चलना चाहिए। क्या बोला गया? हमने आवेदन दिया है, वो परीक्षण करा के, चूँकि राष्ट्रद्रोह का उसमें एक मामला है, DPO से परीक्षण कराना पड़ा, मुकदमा दर्ज होगा।